रेसिंग बार पर आपको ये नकल गार्ड भी मिल जा रहा है जो कि ठंडी गर्मी में आपके फिंगर्स को भी काफी सेफ रखता है। कम्यूटर सेगमेंट के एक बाइक के बारे में डिटेल बताने जा रहा हूँ। इसमें आपको माइलेज मिलने वाला है 70-75 किलोमीटर का। एक लीटर पेट्रोल में लगभग आप इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकते हैं। यदि मुंबई टू गोवा जाना है तो गोवा लगभग 600 किलोमीटर है, यानी आपको 8 लीटर के आसपास पेट्रोल भरवाना पड़ेगा। 9 लीटर के आसपास, 9 लीटर में मुंबई टू गोवा आप जा सकते हैं। और इसका फ्यूल टैंक कैपेसिटी दिया गया है 10.5 लीटर, यानी एक बार पूरा फुल करवा लिए तो मुंबई टू गोवा जाइए और गोवा में घूम भी लीजिए, और उधर से आते समय आपको रिफ्यूल कराने की जरूरत पड़ेगी। तो काफी मतलब आपको यहाँ पर अच्छा खासा माइलेज मिल जाने वाला है। पेट्रोल का प्राइस वैसे भी बढ़ रहा है, लोग स्विच कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बाइक और स्कूटर पर, उससे बेहतर कि यहाँ पर आपको कन्वेंशनल गाड़ी मिल जा रही है पेट्रोल पर, तो अच्छा ऑप्शन है। तो इसका सारा डिटेल हम लोग देख लेते हैं। इसका इनिशियल जो कॉस्ट है इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ये पड़ने वाला है 83,000 रुपीज, जिसमें आपको हेलमेट, पार्किंग, कवर सब कुछ मिलने वाला है। और इस पर 90% तक फाइनेंस हो जाने वाला है। आपको सिर्फ 10% डाउन पेमेंट करके आप इस गाड़ी को ले सकते हैं। ये है प्लेटिना कॉम्फिटेक 110। इसका राइट साइड से लुक देख लीजिए, कुछ इस तरह से होने वाला है। फाइनेंस तगड़ा मिल रहा है तो आप उसका भी फायदा ले सकते हैं। सिर्फ 10% के पेमेंट पर आपको ये गाड़ी मिल जा रही है, तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो जा रहा है। और फीचर वाइज देखें तो काफ़ी अच्छा है। सिटी राइड के लिए तो मैं बोलूँगा कि काफ़ी परफेक्ट हो जाता है। यदि आप डिलीवरी वगैरह का काम करते हैं, कोई सामान वगैरह सेल का काम करते हैं, तो आपका जो बजट है वो कम से कम रहने वाला है। और वैसे भी इनिशियल कॉस्ट जो है वो भी आप देखिए तो 83,000, आज के डेट में 83,000 के रेंज में बहुत कम बाइक और स्कूटर अवेलेबल हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इसके फीचर डिटेल का, स्टार्ट करते हैं फ्रंट से। तो इसका जो फ्रंट से लुक है कुछ इस तरह से रखा गया है। और यहाँ पर विंड वाइजर आपको मिल रहा है सेमी राउंडेड शेप में। अभी मैं ऑन करके दिखाऊं तो इसका जो लुक है कुछ इस तरह से आने वाला है। DRL लाइट के साथ में LED लाइट का यहाँ पर DRL दिया गया है। और इसके साइड इंडिकेटर को देखें तो ये आपको मिल रहा है मिड एज, थोड़ा सा स्टाइलिश यहाँ पर इसका लुक हो जा रहा है। बल्ब का इस्तेमाल किया गया है इसके साइड इंडिकेटर में। और इसका जो अपर कॉल का लुक है ये मिल रहा है डुअल टोन कलर में। यहाँ पर आपको मिलने वाला है डार्क पिंक एंड सिल्वर कलर का ये कॉम्बिनेशन, और ब्लैक कलर से डॉटेड यहाँ पर डिजाइन मिल जाने वाला है इस पर। और यहाँ आ जाएगा हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। और इसके बात करें हेडलैम्प का, तो इसमें बल्ब का इस्तेमाल किया गया है। और मल्टी रिफ्लेक्टर का पैटर्न कुछ इस तरह से होने वाला है। बेस फ्लैट रखा गया है। इसके मडगार्ड को देख लेते हैं तो फुल लेंथ का यहाँ पर मडगार्ड आ रहा है। फ्रंट में आपको ग्लॉसी ब्लैक फिनिश दिया गया है, जबकि रियर में आपको मिलने वाला है मैट ब्लैक कलर से। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर थोड़ा सा आपको एलिवेटेड डिजाइन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें मड फ्लैप एडिशनल नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा इसको एलिवेशन पर दे दिया जाता है ताकि जो मड डस्ट वगैरह हैं उससे राइडर और इंजन दोनों को प्रोटेक्शन मिले। और यहाँ पर इसके मडगार्ड पर फ्रंट में मिल जाने वाला है ग्राफिक वर्क कुछ इस तरह से। बात कर लेते हैं इसके सस्पेंशन का, तो आप फ्रंट में मिल रहा है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन और एंटी स्किड ब्रेकिंग सिस्टम। यहाँ पर आप इसका ब्रांडिंग देख सकते हैं। इसमें आगे और पीछे दोनों जो ब्रेक है वो यूनिफॉर्म तरीके से अप्लाई होने वाला है, तो ब्रेक जो है वो काफ़ी सॉलिड हो जा रहा है, काफ़ी अच्छा काम करने वाला है, स्लिप होने से आपको बचाने वाला है। और यहाँ पर रियर सस्पेंशन जो है ट्विन शॉक एब्जॉर्वर मिल जा रहा है, जो कि कुछ इस तरह से दिया गया है। नाइट्रॉक्स ट्विन शॉक एब्जॉर्वर है। इसमें आगे और पीछे दोनों में ड्रम ब्रेक ही मिलने वाला है। इसके ब्रेकिंग सिस्टम के बाद हम बात कर लेते हैं इसके व्हील का, तो यहाँ पर व्हील का डिजाइन देखिए कुछ इस तरह से अलॉय व्हील में मिलने वाला है। और इसके स्पोक का जो डिजाइन है वो काफ़ी यूनिक रखा गया है। इसके रिम पर दे दिया गया है स्टिकर वर्क जो कि काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। और बात कर लेते हैं हम इसके टायर के साइज़ का, तो इसमें ट्यूबलेस टायर मिलने वाला है। और टायर का साइज़ रखा गया है 80x100 फ्रंट टायर का। और रेडियस की बात करें इसके व्हील का तो 17 इंच मिल रहा है, रेगुलर साइज आपको यहाँ इसके व्हील में मिलने वाला है। और रियर टायर का भी साइज आपको सेम मिलने वाला है जो कि फ्रंट में रखा गया है 80x100 का। तो इसके व्हील सस्पेंशन ब्रेक के बाद हम दूसरे फीचर्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पर कंपनी फिटेड मिलने वाला है लेग गार्ड जो कि इंजन और लेग्स दोनों के प्रोटेक्शन के लिए काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। और यूटिलिटीज में देखें तो यहाँ पर आपको मिल रहा है कन्वेंशनल डिजाइन में फुटरेस्ट राइडर और पिलियन राइडर दोनों के लिए, और एक कुशन के साथ में दिया है ताकि इंजन का जो वाइब्रेशन है वो लेग से ट्रांसफर ना हो और राइडर को एक कंफर्टेबल राइड मिले लॉन्ग राइड में भी। तो ये यहाँ पर आपको ये फैसिलिटी मिल रही है। पिलियन राइडर के लिए यहाँ पर फ्लैट फुटबोर्ड दिया गया है, तो जो कुछ इस तरह से ये दिखने वाला है। अब ब्रेक पैड कुशन के साथ में आ रहा है, और इसमें इलेक्ट्रॉनिक के साथ साथ किक स्टार्ट सिस्टम दिया गया है। इंजन को ब्लैक कलर दे दिया गया है, तो बाइक के कलर से मैच होता हुआ जा रहा है। और पेंट कुछ इस तरह से होता है कि लॉन्ग रन में भी ये ख़राब नहीं होने वाला, इसका जो लुक है वो एज इट इज़ बने रहने वाला है। और साइलेंसर लॉन्ग रखा गया है कुछ इस तरह से। और यहाँ पर इसकी कवरिंग देखेंगे तो स्टील फिनिश से दी गई है, तो ब्लैक एंड स्टील का यहाँ पर कॉम्बिनेशन हो जा रहा है, कुछ ये यहाँ पर लुक आ जाएगा। बात कर लेते हैं इसके फ्यूल टैंक का, तो ये 10.5 लीटर का है। और इस पर ग्राफिक्स देखिए प्लेटिना के ब्रांडिंग के साथ में कुछ इस तरह से डुअल टोन कलर में देखने के लिए मिलेगा। और सेंट्रल फिनिश यहाँ पर आपको मिल रहा है। थोड़ा सा ये बाइक जो है स्लीक डिजाइन में, थोड़ी सी पतली आपको दिखने वाली है। नॉर्मली बाइक थोड़ी सी बल्की जैसी रहती है, ये आपको काफ़ी पतली दिख रही है। तो इसका भी एक एडवांटेज आप देख सकते हैं। ट्रैफिक
ट्रैफिक में से इजिली आप इसको निकाल सकते हैं और हैंडलिंग आसान होने वाला है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा जगह मिल जाएगा जिसमें डॉक्यूमेंट्स वगैरह रखने के लिए आपको जैसे गाड़ी का पेपर वगैरह है रख सकते हैं। और रियर प्रोफाइल कुछ ऐसे बन जा रहा है 110 कॉम्पिटेक्ट के ब्रांडिंग के साथ में। बात कर लेते हैं इसके सीटिंग अरेंजमेंट का, तो जो सीट है ये आपको मिल रहा है एंटी स्लिप के साथ में। कुछ इस तरह से इसको डिजाइन किया गया है कि यदि आप स्पीड में भी ब्रेक अप्लाई करते हैं तो स्लिप होने से बचेंगे, तो ये एंटी स्लिप का डिजाइन यहाँ पर मिल जा रहा है। टैंक पर दे दिया गया है कुशन पैड जो कि अगेन आपके सेफ्टी एंड कम्फर्ट दोनों के लिए काफ़ी अच्छा फीचर हो जाता है। और यहाँ पर ग्रैब रेल जो है एक क्लोज में रखा गया है और इसका टेल लाइट आपको मिलने वाला है कुछ ऐसे। ऑन करके दिखाता हूँ इसको, ब्रेक अप्लाई होने के बाद देखिए कुछ इस तरह से आपको ये देखने वाला है। और लेफ्ट साइड में देखें तो ये कमर्शियल सेगमेंट की बाइक है, एक नॉर्मल काम के पर्पज से आदमी लेता है, तो फैमिली वगैरह के साथ में भी ये दी जा रहा है तो उसके लिए भी आसान होने वाला है। तो यहाँ पर आप देखिए लेडीज फुटरेस्ट मिल रहा है सारी गार्ड के साथ में। तो एक यदि आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो ये जो फुटरेस्ट है ये काफ़ी अच्छा काम करता है। लेडीज या गर्ल्स जब ट्रेडिशनल ड्रेस पहनते हैं या साड़ी पहनते हैं तो उनको कम्फर्ट होता है कि एक साइड में ही पैर करके बैठे, तो ये फीचर भी आपको मिल जा रहा है। और इसमें आपको मिलने वाला है साइड स्टैंड कट ऑफ सेंसर जो कि अगेन आपके सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी जरूरी फीचर हो जाता है। तो ये सब कुछ मिल रहा है आपको इस बाइक के पैकेज में। अभी मैं आप लोगों को इसका इंजन डिटेल बता दूं, इसमें आपको इंजन मिल रहा है 115.45 सीसी का फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन जो मैक्सिमम पावर देने वाला है 8.6 पीएस का 7000 आरपीएम पर। और पीक टॉर्क इसका आपको मिल रहा है 9.8 न्यूटन मीटर का 5000 आरपीएम पर। इसमें आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाएगा, फर्स्ट डाउन फोर अप। तो ये है इसके गियर का अरेंजमेंट। और अभी हम डायमेंशन भी देख लेते हैं, तो इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये काफ़ी अच्छा खासा आपको मिलने वाला है। 200 mm का ग्राउंड क्लियरेंस रखा गया है। व्हील बेस है 1255 mm और इसका जो सीट हाइट है 807 mm का है। और वेट कर वेट की बात करें तो 122 kg इसका कर वेट हो रहा है। तो बाइक जो है वो मीडियम वेट की हो जा रही है, हाईवे वगैरह राइड जो है वो भी आसान होने वाला है। अभी इसके साथ साथ हम मीटर कंसोल भी देख लेते हैं, तो मीटर कंसोल आपको मिल रहा है एनालॉग। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा स्पीडोमीटर का, ओडोमीटर का, सब कुछ एनालॉग रखा गया है। और यहाँ पर आप फ्यूल का इंडिकेशन देख सकते हैं, तो ऑन होने के बाद कुछ ये सारे इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, गियर शिफ्ट इंडिकेशन और यहाँ पर इंजन चेक लाइट। और इसके कंट्रोल स्विचेस को देखते हैं तो यहाँ पर लेफ्ट साइड में आपको चार मिल रहा है, पासिंग लाइट, अपर एंड डिपर, लेफ्ट राइट का इंडिकेटर, हॉर्न, और राइट साइड में आपको ये दो मिल जा रहा है हेडलैम्प ऑन ऑफ करने के लिए और इसको स्टार्ट करने के लिए। सिंगल रेसिंग बार है और इसके रेसिंग बार पर आपको ये नकल गार्ड भी मिल जा रहा है जो कि ठंडी गर्मी में आपके फिंगर्स को भी काफ़ी सेफ रखता है। छोटे छोटे जो पत्थर वगैरह आते हैं उससे भी आपको प्रोटेक्ट करता है आपके फिंगर्स को। और रियर व्यू मिरर कुछ इस तरह से दिखने वाला है। तो काफ़ी कुछ इसमें कॉम्पैक्ट पैकेज मिल जा रहा है। 83,000 इसका प्राइस है, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया था। इसमें आपको तीन कलर ऑप्शन मिल जाएगा, ब्लैक सिल्वर, ब्लैक ब्लू, ब्लैक रेड आपके सामने है, तो आप अपने चॉइस के हिसाब से कलर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, बाय बाय।